previous class which you were not able to understand? नो मैम। इट वॉज ऑल क्लियर? आप यस लोग सर। साथ के साथ पढ़ तो रहे हैं ना, मतलब कुछ ऐसा, इफ यू पीपल वॉन्ट टू एड समथिंग और इफ यू वॉन्ट के आई शुड एक्सप्लेन इट मोर, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप मुझे बता दीजिए सो दैट आई कैन मॉडिफाई माई पीपीटीज अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शन। नो मैम। वेल चलिए, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मिलिंग ऑफ कॉर्न। सो कॉर्न हम सब ने देखा हुआ है, भुट्टा तो हम सब खाते हैं, आप सब ने देखा होगा कॉर्न। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन समथिंग अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द कॉर्न एंड देयर आफ्टर वी विल टॉक अबाउट द मिलिंग ऑफ द कॉर्न। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द वेट मिलिंग एंड द ड्राई मिलिंग। सो अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द कॉर्न, first one is the starch, because starch is the main component of the corn and it constitutes around 70% of the kernel weight. So the starch or other carbohydrates which are present are in the form of like glucose, sucrose and fructose, some monosaccharides and disaccharides. They constitute around 1-3%, and as we all know, starch is made up of two types of molecules. One is amylose and another one is amylopectin. Amylose, it is a linear structured thing, and amylopectin, it is a branched polymer. So the concentration of amylose, it ranges from 25-30% or 35%, and amylopectin is approximately around 70-75%. But if it is a vaccimase, so vaccimase will be containing 100% amylopectin, or if not, it will be having negligible amount of amylose in it. So the starch granules are present, like I have shown a picture here. So starch granules, when we look under the scanning electron microscope, they look like this in a corn starch. Then comes the protein. The protein of maize is known by the name zein, because the scientific name of maize is Z maize. So that is why the protein is known by the name zein. And mainly these zein proteins, they are mainly concentrated in endosperm as compared to the embryo or the bran. And they are composed of four fractions of proteins. They are known by the name alpha, beta, gamma and theta. And these proteins, as all the cereal proteins, they lack in lysine and tryptophan. So same is the case with the maize protein, but they contain high levels of glutamine, leucine and proline. So this is one of the distinguished feature. Okay, they contain higher content of glutamine, leucine and proline. Then comes the corn gluten. Actually, repeat please. Which one, beta? The which protein you were high content of the protein, yes. हाँ, इसके अंदर जो अमाइनो एसिड्स जो हायर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, दे आर ग्लूटामिन, ल्यूसीन एंड प्रोलीन। और जो इनके अंदर डेफिशिएंट है वो सभी सीरियल्स के अंदर ही डेफिशिएंट है, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। सो इट इज डेफिशिएंट इन दैट। अब क्या होता है कि जो कॉर्न से भी जो हम प्रोटीन निकालते हैं उसको भी हम वी कॉल इट बाय द नेम ऑफ ग्लूटन, उसको भी ग्लूटन ही बोलते हैं। एक्चुअली क्या है कि ग्लूटन वैसे तो मिलता है हमें सिर्फ वीट में एंड समवट इज प्रेजेंट इन राई, बट अब क्या है कि बिकॉज इट इज अ प्रोटीन पार्ट, सो इंडस्ट्री के अंदर कॉमनली इसको भी ग्लूटेन के नाम से ही बोला जाता है। अब इसके अंदर ये रहता है कि जो ग्लूटेन के प्रोटीन्स हैं उनके अंदर सिर्फ प्रोलेमीन्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइडिन्स प्रेजेंट नहीं होते। बट वीट के अंदर क्या है, प्रोलेमीन्स भी प्रेजेंट हैं और ग्लाइडिन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वीट ग्लूटन एंड द कॉर्न ग्लूटन। बट दोनों ही जगह ग्लूटन वर्ड यूज कर लेते हैं, वन इज वीट ग्लूटन एंड अनदर वन इज कॉर्न ग्लूटन। मैम कैन यू रिपीट इट अगेन अबाउट द ग्लूटन कंटेंट डिफरेंस बिटवीन द कॉर्न एंड द वीट?
इट इज लाइक दिस के जो भी प्रोटीन प्रेजेंट है व्हीट के अंदर उसकी दो फ्रैक्शंस हैं. आपने भी पढ़ी थी ग्लूटेनिन एंड ग्लाइडिन, देर आर टू फ्रैक्शंस है ना. सो जो ग्लूटेनिन्स हैं उनको हम प्रोलेमिन्स भी बोलते हैं बिकॉज दे आर रिच इन प्रोलीन. यू रिमेम्बर दिस? यस मैम. है ना, सो दैट इज वाई देयर नेम इज प्रोलेमिन. अब क्या है कि वीट के अंदर तो प्रोलेमिन्स और ग्लाइडिन्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, बट इन केस ऑफ कॉर्न ग्लूटन उसके अंदर सिर्फ प्रोलेमिन्स प्रेजेंट होते हैं बट ग्लाइडिन प्रेजेंट नहीं होता विच इज प्रेजेंट इन वीट. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्न ग्लूटन एंड वीट ग्लूटन कि कॉर्न ग्लूटन इज लैकिंग ग्लाइडिन फ्रैक्शन ऑफ प्रोटीन्स. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉर्न एंड वीट प्रोटीन. ओके थैंक यू मैम. या देन कम्स द ऑयल एंड द फैटी एसिड्स. नाउ बेसिकली जो मेज ऑयल है वो रिच होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उसमें से भी दो मेन हैं, वन इज पाल्मिटिक एंड अनदर वन इज स्टीयरिक एसिड. बट इसके अंदर कुछ पूफा भी प्रेजेंट होते हैं, दे आर पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड. और जो सबसे मेन है दैट इज द लिनोलेइक एसिड, दैट इज प्रेजेंट. और थोड़ा थोड़ा अमाउंट प्रेजेंट होता है लिनोलेनिक एसिड का और अरेकिडोनिक एसिड का. सो बेसिकली अगर हम लोग कंज्यूम करते हैं कॉर्न विच इज डीजर्म्ड, सो वी विल नॉट बी गेटिंग दीज ऑयल्स फ्रॉम द कॉर्न, एंड मेनली व्हाट वी विल बी हैविंग इज द स्टार्च, सम अमाउंट ऑफ फाइबर इज देयर एंड सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन, बट वी विल बी लैकिंग इन आवर डाइट from this part ke they will not be having these fatty acids. So then comes the dietary fiber. So mainly the dietary fiber is present in the form of insoluble fibers. So the main constituent of these insoluble fibers are cellulose, hemicellulose and lignin. So the corn grains or the corn kernels from which the hull has been removed, they will be containing lesser amount of dietary fiber as compared to the whole corn kernel. So this was a little bit about the composition, and then we are going to discuss about the minerals. देखिए जब minerals के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर जो सबसे abundant जो mineral present होता है that is phosphorus. और हमें ये भी पता है कि जो फॉस्फोरस है दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फाइटिक एसिड विच एक्ट्स एज अ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर. सो दैट इज व्हाई सम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट इज प्री ट्रीटमेंट इज टू बी गिवन टू द ग्रेन्स बिफोर कंज्यूमिंग इट सो दैट वी कैन डीएक्टिवेट दिस फाइटिक एसिड एंड हेंस इट विल नॉट कंबाइन विद द कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम आयन्स विच आर प्रेजेंट इन अवर डाइट विच वी आर टेकिंग विद डाइट because they form insoluble complexes with these divalent cations. So no doubt they are present in it, but jo sabse abundant hai that is phosphorus, aur wo bhi ek phytic acid ki form mein present hai jo ki calcium aur phosphorus aur magnesium in sab ko bind kar leta hai. Maize ke andar calcium kam amount mein present hota hai, it is present in more amounts in millets calcium. बट और जो ग्रेन्स हैं या सीरियल्स हैं दे आर डेफिशियंट इन कैल्शियम, बट मिलेट्स दे आर रिच इन कैल्शियम. एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि ये जब आप ये फैट्स एंड ऑयल्स करते हैं तो इनको आप थोड़ा अच्छे से करना. आप फूड केमिस्ट्री के अंदर यू मस्ट बी स्टडिंग अंडर डिफरेंट सेक्शंस ना, फैट्स एंड ऑयल्स. तो आप इसको ना बहुत अच्छे से करना क्योंकि इसके अंदर से फैट्स एंड ऑयल्स वाला जो सेक्शन है उसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं, और मेनली ये आते हैं जैसे ऑलिक एसिड का कितने कार्बन एटम्स हैं, लिनोलेइक में कितने हैं, लिनोलेनिक में कितने हैं, 18:1, 18:2, जिनके अंदर पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स आ जाते हैं, इनको बहुत अच्छे से, इट शुड बी ऑन योर टिप्स. इन एक तो इनके 20 तक सबके नेम याद रखना, और साथ के साथ इनके अंदर कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं दैट यू शुड रिमेम्बर. काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं, करीबन 8 से 10 क्वेश्चंस आते हैं फैट्स एंड ऑयल से सिर्फ इसी सेक्शन से. सो ये बहुत अच्छे से कर लेना आप लोग.
नेक्स्ट आता है कि व्हाई वी वांट टू कंज्यूम कॉर्न, और कॉर्न को हम क्यों कंज्यूम करते हैं. कॉर्न हम इसलिए कंज्यूम करते हैं क्योंकि ये न्यूट्रिएंट रिच होता है, इसके अंदर फॉलिक एसिड और फाइबर काफी अमाउंट में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट थिंग इज कि ये जो कॉर्न है ये एनिमल फीड की तरह भी यूज किया जाता है. फिर इसके साथ इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं जो कि सभी के सभी कंज्यूम हो जाते हैं, वो हमें वेस्ट या एज अ वेस्ट या उनको फेंकने की ज़रूरत नहीं होती. एक आजकल एक टर्म आपने सुनी होगी, दैट इज़ फूड सिक्योरिटी. सो अगर हम कॉर्न को भी अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो देयर वी आर एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी टू द अदर मासेस ऑल्सो. And then it has a very high potential in terms of business also. So that ways corn is required in our daily consumption. So now we will talk about the classification of the corn. Whatever the corn varieties are available, generally they have been classified into four categories. So first one, as the picture shows, it is the dent variety. So in it you can see this upper portion of the grain is visible and there is a dimple inside that upper surface of the grain. So a kind of dent is there or a depression is there. So these kind of varieties are known as dent varieties. Actually what happens is ke jo ye grains hote hain inki जो आउटर एजेस होते हैं, आपको ये जब हम स्ट्रक्चर ऑफ सीरियल ग्रेन्स डिस्कस कर रहे थे तो उसमें बताया था देयर इज टू टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इन द कॉर्न. व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, एनीवन फ्रॉम यू? कॉर्नी एंड अदर वन इज रफ फ्लैशी. कॉर्नी एंड फ्लावर कौन कौन सी थी? एक हार्ड थी, एक सॉफ्ट थी. डू यू रिमेम्बर दिस थिंग? यस मैम. फ्लोर फ्लोरी वाली मैम वो हार्ड है. नहीं नहीं बेटा, हॉर्नी इज हार्ड एंड जो फ्लैशी है वो फ्लोरी होगा बेटा. फ्लोरी सॉफ्ट है. यस मैम, दैट इज सॉफ्ट एंड दैट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द ग्रेन. और जो लूजली पैक्ड होती है. यस वेरी नाइस, दैट इज लूजली पैक्ड. और जो हॉर्नी होती है वो हार्ड होती है, टाइटली टाइटली एंड इट इज प्रेफर्ड आल्सो. यस, तो ये जो डेंट वेराइटी है दैट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द एंडोस्पर्म. क्योंकि जो हार्ड पैचेस हैं जो एंडोस्पर्म के हैं दे आर प्रेजेंट एट द आउटर एजेस, और जो सॉफ्ट हैं दे आर प्रेजेंट टूवर्ड्स द सेंटर. सो दैट इज व्हाई इनका बिकॉज ऑफ अनइवन डिवीजन ऑफ द एंडोस्पर्म इनके ऊपर क्या आ जाता है, देयर कम्स अ डेंट. ये अंदर की तरफ को चले जाते हैं बिकॉज इनसाइड दैट इज सॉफ्ट एंड साइड वाइज इट इज हार्ड. सो दैट इज व्हाई दिस डेंट अपीयर्स. सो ये है एक तरह की वैरायटी. दूसरी जो वैरायटी है दैट इज द फ्लिंट वैरायटी. अब नाउ यू कैन सी इन दिस फ्लिंट वैरायटी देयर इज नो डेंट. नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि इसकी जो आउटर लेयर है इस ग्रेन की या इस कर्नल की, इसके ऊपर पूरी की पूरी आउटर लेयर के ऊपर हॉर्नी एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट और द हार्ड एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट. तो जब हम इन ग्रेन्स को ड्राई करते हैं तो ये इवनली ही ड्राई होते हैं. तो अगर ये इवनली ड्राई होंगे तो देयर विल बी नो डेंट इन देयर आउटर सर्फेस. सो दैट वेज दीज आर नोन एज फ्लिंट वेराइटीज. नेक्स्ट काइंड ऑफ वेराइटी इज सॉफ्ट वेराइटी. अब ये जो सॉफ्ट वैरायटी है इसके अंदर जो पूरी की पूरी एंडोस्पर्म होगी ऑन द आउटर सरफेस दैट विल बी सॉफ्ट इन नेचर, इट विल बी ओपेक. सो इस तरह की जो वैरायटी होती है दैट इज नोन एज फ्लावर और द सॉफ्ट वैरायटी एंड इट इज यूजुअली यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द कॉर्न फ्लावर. एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट इज द वैक्सी मेज. ये हम पहले भी बताया है कि इसके अंदर 100% अमाइलोपेक्टिन इज देयर. अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो अराउंड 25-35% अमाइलोज होता है और जो बचा हुआ रहता है दैट इज अमाइलोपेक्टिन. बट ये जो वैक्सी मेज है इट कंटेन्स 100% अमाइलोपेक्टिन. सो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ द कॉर्न. वन वॉज डेंट कॉर्न, अनदर वन इज फ्लिंट, देन इज द सॉफ्ट वन एंड द लास्ट वन इज द वैक्सी मेज वेराइटी.
Now comes the important part, that is the milling of the corn. Milling, what do you mean by milling? Sonu? Milling? Process, ma'am, milling means processing of corn into flour particles, desired flour particles. Yes, you can say like this, but aap ye bhi keh sakte hain ki milling ka matlab ho gaya, usko hum edible form mein lekar aaye. That is basically milling. Yes, ma'am. Hai na, uska jo upar ka hull hai, that has to be removed, aur uska germ hai, that we will remove. और जो बचा हुआ पोर्शन होगा उसको हम चाहे ग्रिट्स की फॉर्म में लें, चाहे होमिनी फीड भी बनता है, कोर्स ग्रिट्स होते हैं, तो वो किसी फॉर्म में हम उसको ले लें, सो दैट इट इज एडिबल इन नेचर. सो जो ड्राई मिलिंग है, बेसिकली इसके अंदर हमारा मेन पर्पस ये रहता है जर्म को निकाल देना. अब ये जर्म को हम क्यों रिमूव करना चाहते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, अदरवाइज इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. क्योंकि मैम ऑयल कंटेंट होता है और दैट लीड्स टू रेंसिलिटी. यस, वेरी नाइस, बिकॉज़ ऑयल इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, बिकॉज़ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑयल व्हिच इज प्रेजेंट इन द कर्नल, इट इज प्रेजेंट इन जर्म. सो ये जो ऑयल है, इट इन द प्रेजेंस व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू ऑक्सीजन, इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन. मोर ओवर सम लाइपेज और द लिपोलिटिक एंजाइम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट व्हिच कॉजेज rancidity. It may be oxidative in nature or it may be hydrolytic in nature. So इसीलिए germ को remove कर देते हैं, so that हम fat content को भी lower कर दें और उसकी shelf life को भी increase कर दें. तो ये दो तरह की milling है, one is the dry milling and another one is the wet milling. अब एक तो हमें नाम से ही पता चल रहा है dry milling, that means we are not going to use water during the milling process, but wet milling ke andar we are going to use water in the milling of the corn. So how they differ? First thing, aap jab bhi grain ki milling karte hain, hamara pehla step kya hota hai, tempering or the conditioning. Theek hai, so iske andar bhi hum tempering karte hain. Hamara aim ye rehta hai ki iska jo moisture content hota hai grain ke andar wo 11 se 14% tak vary karta hai. So what we are going to do is we will increase the moisture content to around 21%. Now what is the aim of tempering or conditioning? Tanu, aapne wheat ke andar bhi padha hai ki hum tempering ya conditioning kyon karte hain, what is the reason behind it? Ma'am, adjust the moisture content. One thing, adjust the moisture. Chaliye next, to mellow the endosperm and toughen the bran. Yes, we are going to mellow the endosperm and toughen the bran. So for that purpose, this moisture is increased or tempering is basically done. So here the objective of conditioning is to loosen the germ, toughen the bran and to mellow the endosperm so that we can get maximum amount of the grits and minimum amount of the corn flour. Hamara concern corn flour se nahi hai corn ke andar. हमारा कंसर्न रहता है कॉर्न ग्रिट्स से. सो अब एक काम तो हमने कर दिया, इसकी कंडीशनिंग या टेम्परिंग कर दी. अब हमारा सेकेंड जो काम था वो क्या था, जर्म को रिमूव करना. सो जर्म को रिमूव करने के लिए देयर इज वन इंस्ट्रूमेंट, उसके अंदर दो कोन्स होते हैं. एक जो कोन होता है दैट इज स्टेशनरी, और उसके अंदर जो कोन होता है वो क्या करता है, रोटेट करता है. अब ये जो दोनों कोन्स की सरफेस होती है इसके बीच में ग्रेन्स डाल दिए जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन इसका जो जर्म है वो रिमूव हो जाता है. अब जर्मिनेशन करने के बाद, अभी हमने क्या किया था, अराउंड आप ये लगा लीजिए 12% मॉइस्चर कॉन्टेंट, 12 से हम इसको पहले लेकर आए 21 तक. अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से ड्राई करेंगे. ड्राई करेंगे हम इसको अराउंड 15 to 15.5% मॉइस्चर कॉन्टेंट, और फिर उसके बाद हम इसकी मिलिंग करेंगे सो दैट दिस एंडोस्पर्म इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मेज ग्रिट्स और द कॉर्न ग्रिट्स. जब वो कॉर्न ग्रिट्स बन जाते हैं उसके बाद वही उनको अकॉर्डिंग टू देयर साइज उनकी ग्रेडिंग की जाती है. ग्रेडिंग करने के बाद अगेन दे विल बी ड्राइड, और ड्राई करने के बाद देन दे विल बी पैक्ड. तो इस तरीके से ड्राई मिलिंग जो है वो की जाती है. अब जब हम ड्राई मिलिंग करते हैं तो उससे हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं. देखिए, फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट ग्रिट्स. ग्रिट्स होते हैं उसके छोटे छोटे, नाउ हेयर यू मे सी,
These are the grids. Is it visible to all of you? These are different types of grids. किन्हीं का जो पार्टिकल साइज है वो बड़ा है, यहाँ और छोटा है, यहाँ और छोटा, छोटा सब छोटा और ये सबसे छोटा. सो दीज आर द ग्रिड्स. तो सबसे पहले ग्रिड्स मिलते हैं, देन कोएर्स मील मिलेगी जिसके पार्टिकल्स थोड़े और मतलब ग्रिड्स से थोड़े से छोटे. फाइन मील मतलब बहुत ज्यादा छोटे. तो 40% ग्रिड्स हैं, 20% कोर्स मील्स हैं, देन फाइन मील इज अराउंड 10%. जर्म आपको मिलेगा 14%. कॉर्न फ्लावर आपको मिलता है ओनली 5%, बिकॉज दैट इज नॉट द एम ऑफ द मिलिंग. हमारा मेन एम क्या था? टू ऑब्टेन ग्रिट्स. दैट वी हैव ऑब्टेन्ड अराउंड 40%. सो कॉर्न फ्लावर इज ओनली 5% एंड होमिनी फीड इज 11%. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज होमिनी फीड? ये जो होमिनी फीड होता है इसके अंदर देयर इज सम स्टार्च ऑल्सो, there is bran, there is germ. तो ये सब, it is a very good source of protein. अब आपने ये देखिए, bran भी remove कर दिया, germ भी remove कर दिया, कुछ starch और कुछ proteins भी remove हो गए हैं हमारे. तो उससे ये क्या रहता है कि इसका protein content बढ़ जाता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ protein bran में भी था, हल्का protein germ में भी था, कुछ हमारा endosperm भी निकल कर आ गया है. तो इसका जो प्रोटीन कंटेंट है वो बढ़ जाता है एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड एनर्जी सोर्स. तो इसको हम पोल्ट्री फीड की तरह भी यूज कर सकते हैं एंड इट कैन बी गिवन टू द पोल्ट्री बर्ड्स एज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. सो दिस इज होमिनी फीड. ये भी हमें पता होना चाहिए कि होमिनी फीड क्या होता है. सो अभी हम इसके अंदर नहीं, पहले हम आगे का पढ़ते हैं. वेट मिलिंग. नाउ वेट मिलिंग के अंदर हम क्या करते हैं? वी डू स्टीपिंग. सबसे पहले स्टीपिंग करते हैं और उसका जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो हम इंक्रीज कर देते हैं 42% तक. अब इन दोनों में आप वो देखना कि जो ड्राई मिलिंग है उसके अंदर हम मॉइस्चर कंटेंट लाते हैं 21% और जो वेट मिलिंग है उसके अंदर हम मॉइस्चर कंटेंट लाते हैं 42%. नाउ हाउ यू विल रिमेंबर 42%? एक का भी याद कर लोगे तो दूसरा उसका हाफ है. अगर आप 21 आपको लर्न रहता है तो जो वेट मिलिंग है उसके अंदर कितना हो जाएगा? 42%. अगर आपको 42% याद है तो ड्राई मिलिंग के अंदर उसका हाफ हो जाएगा, दैट इज 21%. नाउ वेट मिलिंग का एम ये रहता है कि हम जो भी कॉर्न का ग्रेन है उसको डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड करके और वो फ्रैक्शन अलग अलग हम यूज कर ले. फाइबर्स अलग हो जाएंगे, स्टार्च अलग हो जाएगा एंड साइड बाय साइड प्रोटीन भी अलग हो जाएगा. और जिस वाटर के अंदर हमने स्टीपिंग की है उस वाटर को भी हम क्या करेंगे? यूज करेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू थ्रो इट. सो ईच एंड एवरी पोर्शन of the grain will be utilized as well as the steeping water will be utilized. इसके अंदर एक खास बात ये रहती है, we use sulfites or bisulfites. अभी यहाँ लिखा हुआ है ना with और without sulfur dioxide. So इसमें हम ये sulfur के जो salts होते हैं वो use करते हैं. The reason being, एक तो जब हम इसकी steeping करते हैं तो micro organisms इसमें grow कर सकते हैं. So to avoid that, we add the salts of sulfur. And second thing, ये जो bisulfites होते हैं ये gluten को soluble form में लाते हैं. This is a very important point. कि ये gluten का जो bond होता है starch के साथ उसको हल्का weaken करते हैं, loosen करते हैं और साथ के साथ उसको soluble form में लेकर आते हैं. For that purpose, these are being added. Now, how this wet milling is usually carried out? So as I told you, corn, we will add moisture to the corn. What we are going to get? We will get starch, we will get protein, we will get fiber, and we will get the germ. Or germ se hum kya remove karenge? We will get the corn oil. So each and everything is utilized and it is separated. So how it is usually done? So this is the overall chart, but before going to this chart we should know how it will be carried on. So first thing, whatever the corn you get,
आपको सबसे पहले उसका मॉइस्चर कंटेंट चेक करना है. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू द मॉइस्चर कंटेंट शुड बी इन बिटवीन 11 to 14%. सो मॉइस्चर कंटेंट 15% से नीचे होना चाहिए. उसके बाद ये जो कॉर्न है इसको डंपिंग पिट में डाल देते हैं. डंपिंग पिट से फिर बकेट कन्वेयर्स होते हैं. वो जो बकेट कन्वेयर्स होते हैं वो डंपिंग पिट से उठाकर इसको ऊपर तक लेकर जाते हैं और इसको हम डंप कर देते हैं साइलोज में, और तभी हम इसका मॉइस्चर कंटेंट लेस रखते हैं. सो दैट ये वहां पर जब हम इनको साइलोज में रखते हैं तो ये वहां खराब ना हो जाए. फॉर दैट पर्पस दे मॉइस्चर कंटेंट इज केप्ट लो. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज द क्लीनिंग. नाउ फॉर क्लीनिंग वी आर गोइंग टू यूज स्क्रीन्स, वी आर गोइंग टू यूज डीस्टोनर्स, मैग्नेटिक सेपरेटर. सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स विच वी आर गोइंग फॉर. अब आप इस फिगर के अंदर यू कैन ईजिली मेक आउट के वट वी विल डू. देखिए सबसे पहले यू आर हैविंग दीज अनक्लीन ग्रेन्स. हेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट. वी आर हैविंग अनक्लीन ग्रेन्स. ये जो अनक्लीन ग्रेन्स होते हैं इनको फिर हम ले जाते हैं सीव तक. दीज सीव्स आर वाइब्रेटरी सीव्स. सो ये जो सीव्स होते हैं इनके एक पर्टिक्यूलर मेश साइज होता है. सो यहां से जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं दे आर रिमूव्ड, और जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे की तरफ को गिरना शुरू होते हैं. जब वो नीचे की तरफ को आते हैं तो साइड से आता है एयर ब्लास्ट. तो ये जो एयर ब्लास्ट है ये भी लाइटर पार्टिकल्स को रिमूव करेगा, बिकॉज जो भी हम एयर से स्क्रीनिंग करते हैं दैट इज बेस्ड ऑन द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स. अब नाउ